ए गोपू, स्कूल नहीं जाना? पढ़ाई नहीं करेगी तो क्या बनोगे? मुझे डांसर बनना है। अरे नचनिया बनेगा। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं। 2004 के सुनामी ने अंडमान के बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली है। मैं उन खुश नशीब लोगों में से हूँ जिसे सुनामी ने अच्छा करके गया। एक्चुअली 2004 से पहले मैं भी यहाँ के एक डांस स्कूल में एक स्टूडेंट था। फिर दिसंबर में सुनामी आई, फिर हमारे मास्टर भी हमें छोड़कर यहाँ से चले गए। हमारा एक रूटीन हो गया था, हम डेली शाम को 5 से लेकर 8 बजे तक डांस क्लास पे टाइम निकालते थे। जब ये क्लास बंद हुआ तो कहाँ जाए, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। काफ़ी साल पुरानी बात है, तकरीबन 14 साल हो चुका है। तो हम कुल 7 लोग थे इस डांस क्लास को खड़ा करने में। इसमें काफ़ी मेहनत लगा, ऐसा नहीं कि नामुमकिन था, क्योंकि अंडमान में मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। इसके बीच में एक ऐसे फील्ड को चूज करना कि कहते हैं ना, का कोई लाइफ नहीं है अंडमान में डांस का। काफ़ी सुना है हमने जब हम लोगों ने डांस शुरू किया था। स्पेशली मैंने इस फील्ड को चुना कि यहाँ के बच्चों को मैं कुछ सिखा सकूँ। आज तकरीबन यहाँ पर 100 से 150 लोग हैं, सब मिला के स्टूडेंट। फिर हमें एक मौका मिला यहाँ पर 2014 में, हमारे प्रेसिडेंट साहब श्री प्रणव मुखर्जी जी का विजिटिंग हुआ। उस वक्त हमें एक मौका मिला जो हमारे अंदर प्रतिभा है वो दूसरे बच्चों को दे। तो उस वक्त हम लोगों ने तकरीबन 5000 स्कूली बच्चों को नेताजी स्टेडियम में डांस कोरियो किया था, सिखाया था। उसके बाद से आज तक हम लोगों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि हमसे क्या छूट गया है। 10 से 12 बार दिल्ली के प्रगति मैदान में हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, यूथ फेस्टिवल में हम लोगों ने परफॉर्म किया है अपने पूरे टीम के साथ। ये अब हमारा रूटीन बन चुका है, अगर हम डांस नहीं करेंगे तो जी नहीं पाएंगे। शहर छोटे होते हैं, हौसला और उम्मीदें बड़ी हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। वो कहते हैं ना कि हमारे हाथों की लकीरों में सब कुछ लिखा होता है, बस देखने वाले की पार की नजर चाहिए। मेरा नाम विजय बहादुर, और मुझे गर्व है कि मैं एक डांसर, कोरियोग्राफर हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ।